ये वीडियो बहुत सिंपल हो सकता था क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फेस मास्क और फेस पैक एज अ गिफ्ट आते रहते हैं। अगर मैं चाहती तो उनमें से कोई सा भी एक अच्छा फेस मास्क आपको सजेस्ट कर देती, वीडियो बहुत ही सिंपल हो जाता और मे बी ब्रांड भी खुश हो जाती। बट आई पर्सनली प्रेफर कि जो चीज़ें पॉसिबल हो ना उन्हें खुद से बनाकर ही फेस पर अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि पहली चीज़ वो चीज़ें प्योर होंगी। इसके साथ ही आपको पता होगा कि कौन सा इंग्रेडिएंट आपकी स्किन को सूट करेगा और कौन सा नहीं करेगा, और उसके बाद में आप उस बेसिस पर इंग्रेडिएंट्स को स्किप भी कर सकते हैं। और इसीलिए आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरा फेवरेट DIY विंटर फेस मास्क। अभी तक मैंने आपको जो फेस मास्क बताए हैं वो समर में बताए हैं, तो उनका आपको अभी इस्तेमाल नहीं करना है। आज वाला फेस मास्क जो मैं आपको बताऊंगी उसे ही आपको विंटर में यूज़ करना है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं फेस मास्क के इन्ग्रीडियंट्स, उनकी क्वांटिटी और आपको उस फेस मास्क को कैसे अप्लाई करना है अपने चेहरे पर और कितनी देर के लिए अप्लाई करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो फेस मास्क को बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो है मुल्तानी मिट्टी। अब हो सकता है कि बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि मुल्तानी मिट्टी का यूज़ हमें विंटर में नहीं करना चाहिए, तो देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका यूज़ हम पूरे साल कर सकते हैं, विंटर में भी कर सकते हैं, बट एक प्रॉपर तरीके से। तो आपको सिंपल सा करना ये है कि आपको एक बाउल में 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी निकाल लेना है। इसके बाद में सेकेंड चीज़ हम यूज़ करेंगे मुलीठी पाउडर। ये हमारे कॉम्प्लेक्शन को ठीक करने के लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, और इसका यूज़ मैं पहले भी आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ, इसीलिए मैं आज आपको फिर से बता रही हूँ कि जिन लोगों को टैनिंग की प्रॉब्लम है या फिर उनका कॉम्प्लेक्शन डल हो गया है तो उनके लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी। तो आपको बस सिंपल सा करना ये कि आपको 1 चम्मच लेना है मुलीठी पाउडर और इसी बाउल में आपको मिला देना है। इसके बाद में थर्ड चीज़ यूज़ करूँगी हनी। बट बाई चांस अगर आप में से किसी को भी हनी सूट नहीं करती है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो आपको बस 1 चम्मच हनी लेना है और इसी बाउल में आपको मिला देना है। इसके बाद में मैं यूज़ करूँगी लेमन का। नींबू जो होता है वो भी हमारे स्किन के लिए कई तरह से फ़ायदेमंद होता है, इसमें साइट्रिक एसिड होता है, इसके साथ ही ये स्पॉट्स की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बढ़िया होता है, ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम को कम करती है, रिंकल्स की प्रॉब्लम को कम करती है, तो मतलब स्किन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो आपको हाफ लेमन लेना है और हाफ लेमन की कुछ ड्रॉप्स आपको इसमें ऐड कर देनी है। अब इसके बाद में मैं 5वीं चीज़ इसमें मिलाऊंगी टमाटर। तो हमको लेना है आधा टमाटर और आधा टमाटर का जो भी जूस होगा हम इसमें मिला लेंगे। अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे रॉ मिल्क, क्योंकि यह हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड होता है। तो आपको 2 चम्मच रॉ मिल्क लेना है और इसी में ऐड कर देना है। आपको उतना मिल्क मिलाना है कि इसका एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बन सके। अगर आपको थोड़ा कम लगता है मिल्क तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, तो सारी चीज़ें हमने बॉल में मिला ली हैं। अब आपको 1 चम्मच लेना है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो बस अब ये आपका फेस मास्क बन गया है। अब आप जब भी इसको अपने फेस पर अप्लाई करने जाते हैं तो अप्लाई करने से पहले आपको अपने फेस को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है। मेकअप नहीं लगा होना चाहिए, ना ही कोई क्रीम, क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ कि जब हम इस फेस मास्क को अपने चेहरे पर अप्लाई करें तो डायरेक्टली हमारे फेस पर ही लगे, क्योंकि तभी हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलो फेस को क्लीन कर लिया, अब आपको इस फेस मास्क को लेना है अपने हाथों से ही, इसे अपने पूरे चेहरे पर अप्लाई कर लेना है और पतली सी लेयर नहीं लगानी है, मतलब थोड़ी सी मोटी लेयर लगानी है आपको इस फेस मास्क की अपने फेस पर। तो चलो लगा लिया है। अब लगाने के बाद में आपको इसे 20 से 25 मिनट के लिए अपने फेस पर ऐसे छोड़ना है जिससे कि ड्राई हो जाए, और अगर ड्राई 10 मिनट में ही मान लो हो जाए तब भी आपको 20 से 25 मिनट के लिए इसको लगा के ही रखना है, जिससे कि हमने इस फेस मास्क को बनाने के लिए जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें यूज़ करी कम से कम हमारी स्किन को उनका फ़ायदा तो मिले है कि नहीं। तो बस 20 से 25 मिनट हो जाएंगे, आपको सादे पानी से फिर अपने फेस को वॉश कर लेना है। वॉश करते समय ना ही आपको फेस वॉश का यूज़ करना है और ना ही आपको सोप का इस्तेमाल करना है, सिर्फ नॉर्मल वाटर का ही यूज़ करना है फेस को वॉश करने के लिए। जब आप इसको पहली बार अपने चेहरे पर लगाएंगे तो आपको हल्का फुल्का रिजल्ट मतलब दिखने लगेगा, आपकी स्किन थोड़ी बहुत तो सही होने हो ही जाएगी, और अगर आप इसका हमेशा ही यूज़ करते रहेंगे मतलब विंटर में ही, तो आपकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन ठीक हो जाएगा, डार्क स्पॉट ठीक हो जाएंगे, ब्लेमिशेस, रिंकल्स, सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी और आपकी स्किन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी और अच्छी लगने लगेगी बहुत ही ज़्यादा। तो आपको इस फेस मास्क का यूज़ अपने चेहरे पर वीक में 2 बार करना है। 2 बार आप कभी भी कर सकते हैं, मतलब दिन में, रात में, दोपहर में, जब भी आपको टाइम मिलता है।